नमस्ते, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये 2021 साल आपको बहुत बहुत पैसे बना के देगा, ऐसा मेरी इच्छा है। और जिस तरीके से हम मार्केट में प्लेस्ड है, मेरा मानना है कि ये साल बहुत ही बेहतरीन जाएगा। तो चलो, हम 4 तारीख से वीक चालू होने वाला है, इसका हम एनालिसिस करते हैं कैसा होगा कैसा नहीं। आपको इस वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है, हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी, डेरिवेटिव डेटा, फिर उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, डाउ जोन्स पे क्या हमारा व्यू है, उसके बाद रुपी डॉलर, विक्स पे बात करेंगे, पीसीआर पे मैंने जो बुधवार को वीडियो जारी किया था उसके बारे में थोड़ा सा और अपडेट मैं दूंगा, सेक्टर एनालिसिस है। और इस तरीके से हम पूरा होलिस्टिक व्यू लेना चाहेंगे। तो जो कल शुक्रवार को जो मार्केट हुआ, तो मेरा मानना है कि बहुत इंडेसिसिव था, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेशन नहीं था। तो मेरा मानना है, पर फिर भी हम 1400 के ऊपर क्लोज देखने को मिला हमें। तो जिस तरीके से ये निफ्टी प्लेस्ड है, मेरा मानना है कि अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा थोड़ी स्पीड हमारी थोड़ी कम हो चुकी है, क्योंकि हमने बहुत बड़ी रैली देखी है। तो मेरा मानना है कि ऐसे ही कुछ हमें देखने को मिलने वाला है जैन सीरीज में। जैन सीरीज में आमतौर पर होता क्या है कि बजट नज़दीक आ जाता है, तो उधर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेशंस, इसके चलते थोड़ा सा फ्लैटिश, करेक्टिव, अंडरटोन बुलिश, ऐसा मार्केट देखने को मिलता है। और इस बार तो फाइनेंस मिनिस्टर ने नेवर बिफोर ऐसा बजट देने का स्टेटमेंट दिया है। यानी क्या है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस अभी बिल्ट होना चालू हो जाएंगे, इस सेक्टर को अच्छा होगा, वो सेक्टर को अच्छा होगा। तो मेरा मानना है कि इन जनरल बहुत स्ट्रांग बजट आने की प्रोबेबिलिटी फाइनेंस मिनिस्टर ने बताई है। मेरा मानना है कि इधर से सेल ऑफ तो अभी इस महीने में देखने को मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अभी हम टेक्निकली देखते हैं, जब तक ये जो हाइज मैंने इधर बताया है 13,750-13,800, जब तक इसके नीचे नहीं जाता तब तक एक बुल ट्रैप नहीं होगा, यानी बुल्स ट्रैप नहीं होंगे। मेरा मानना है कि तब तक के लिए आपका व्यू पॉजिटिव होना चाहिए। बैंक निफ्टी पे अगर ध्यान देते हैं तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी कंसल्ट हो रहा है, और जिस तरीके से ये ट्रेड हो रहा है, मेरा मानना है कि ये जो लेवल है 31,000, राउंड फिगर्स की बात कर रहा हूँ, प्रिसाइज लेवल्स हम मार्केट आउटलुक डेली और टेलीग्राम चैनल में आपको मिलते ही रहेंगे, पर जिस तरीके से 31,000 होल्ड कर रहा है, तब तक आपको बहुत बड़ा डाउनसाइड देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कंसल्ट। और ये जो कंसल्टेशन देखने को मिल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये बहुत बेहतरीन है। पिछले 3 दिन में एकदम सीमित दायरे में कामकाज हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो डरे हुए लोग हैं वो एग्जिट कर रहे हैं, जिनका व्यू थोड़ा सा स्ट्रांग है वो बाय करते नजर आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर हम होलिस्टिक व्यू लेते हैं तो अभी भी अंडर करंट पॉजिटिव ही देखने को मिल जाना चाहिए। ये रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी पे व्यू। अभी हम डेरिवेटिव डेटा में देख रहा था, एक ही दिन हुआ है, तो दिसंबर सीरीज से हम जनवरी सीरीज में रोल ओवर्स बहुत अच्छे देखे, इसका मतलब यह है कि अंडर करंट बहुत स्ट्रांग है। लॉन्ग पोजिशंस के पोजिशंस एफआईएस के देखने को मिले, तो मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छी बात है कि लॉन्ग पोजिशंस हम अगले महीने में लेके जा रहे हैं, यानी करंट महीने में लेके जा रहे हैं। अभी जो शुक्रवार का दिन था उधर मार्केट पार्टिसिपेशन नहीं था, तो डेरिवेटिव डेटा निफ्टी, बैंक निफ्टी में कोई ऐसा बड़ा कंक्लूसिव डेटा नहीं मिल रहा है। तो शायद मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे में वापस पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे और फिर एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। मुझे लगता है कि डेरिवेटिव डेटा देखने में अभी कोई मतलब नहीं है, अगले हफ्ते देखेंगे या ड्यूरिंग द वीक में ऑन द मार्केट आउटलुक डेली। अच्छा, मैं हमेशा की तरह वापस एक बार रिपीट करूंगा, ये रिपीटेटिव हो रहा है, पर ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। ये जो मार्केट आउटलुक डेली है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, इसमें आप समझिए, इधर आपको क्लिक करना है, आपके क्रेडेंशियल्स डालने हैं, आपके क्रेडेंशियल्स डालने पर आपको हमारी वेबसाइट पे एक्सेस मिलने वाला है। समझ लिए, वेबसाइट पे आपके ईमेल में नहीं आने वाला है मार्केट आउटलुक डेली, आपको इधर
एक्सेस मिलेगा हमारे वेबसाइट पे, यहाँ क्लाइंट एरिया पे आपको लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा। ये क्लाइंट एरिया में क्लिक करने के बाद आपके लॉगिन से, जीमेल के लॉगिन से आपको हमारे वेबसाइट के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। और आपको दो प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, एक होता है मार्केट आउटलुक डेली, दूसरा होता है केजे चार्ट, जहाँ पे मैं चार्ट्स देखता हूँ। तो ये दो प्रोडक्ट्स लाइफ टाइम फ्री के लिए फ्री मिलते हैं आपको। ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमेशा आपको सवेरे 6:30 से पहले वर्किंग डेज पे आपको आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, इस पे व्यू मिलने वाला है। तो मेरा मानना है कि आपको ये फ्री रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और हर रोज वेबसाइट पे आके क्लाइंट एरिया में जाके लॉग इन करना है और फिर आपको मार्केट व्यू देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल में मैं जब जब भी ये अपडेट करता हूँ तो टेलीग्राम चैनल में बोल देता हूँ कि अपडेटेड, उसके बाद आपको देखना है। दूसरी बात, आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको जुड़ जाना चाहिए। दो तरीके हैं, मेरे ट्विटर हैंडल पे पिन मैसेज पे जाइए, उधर लिंक है, उधर क्लिक कीजिए, अपने आप जुड़ जाएंगे। दूसरा तरीका है कि आप टेलीग्राम चैनल अपने मोबाइल पे डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम ऐप सॉरी, उसको डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद वेबसाइट पे आइए और इस आइकॉन को सिर्फ क्लिक कीजिएगा, तो अपने आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओगे। ये दो आसान पद्धति है। अगर ये भी नहीं हो रहा है आपसे, तो ये जो नंबर है इधर 9595111344, ये हमारा इन्वेस्टर हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, कब? मंडे टू सैटरडे 10 बजे से 5 बजे के बीच में। संडे को फोन करोगे तो हमारा ऑफिस बंद है, तो आपका कोई फोन नहीं उठाएगा, पर आपको मंडे को वापस कॉल बैक आ सकता है, आएगा। पर ये प्रोसीजर है, ये फॉलो करना है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने व्यू दिया। डेरिवेटिव डेटा मैंने कहा कि अभी कोई डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि कल एकदम जीरो वॉल्यूम्स के साथ, यानी प्रैक्टिकली जीरो वॉल्यूम्स के साथ कोई नई एक्टिविटी नहीं देखने को मिली, तो कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है। अभी गोल्ड पे देखेंगे, गोल्ड पे भी मेरा मानना है कि कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है, पर एक बार हम देखेंगे। गोल्ड पे एकदम सीमित दायरे में कामकाज हो रहा है। देखिए, एकदम सीमित दायरे में कामकाज हो रहा है, पर बायस अभी भी पॉजिटिव है। मेरा मानना है कि ये जो लेवल निकलेंगे 51,000 के, उसके बाद एक अच्छी तेजी 5200 के लिए, 52,000 के लिए तैयारी होती नजर आएगी। पर मेरा मानना है कि अभी थोड़ा सा गोल्ड इनडिसाइसिव रहेगा। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी ऐसे ही कुछ देखने को मिल रहा है। सिल्वर में भी साइडवेज मूव है, पर जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, नेक्स्ट बड़ी मूव इस लेवल के बाद आएगी, वो 70,000 की लेवल है। इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो 77,000, 78,000 की रैली आपको सिल्वर में देखने को मिल जानी चाहिए। क्रूड में हमारा व्यू बुलिश है, और अभी भी चार्ट में भी अभी थोड़ा सा इंडेसिव है, पर बायस पॉजिटिव साइड पे ही है। जब तक हम 3400 और 3250 इस अच्छे सपोर्ट जोन के ऊपर है, तब तक आपको तेजी के ही पोजीशंस रखने चाहिए क्रूड पे। डाउ जोन्स पे हम देखेंगे। डाउ जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट कगार पे है, और जिस तरीके से मैंने कहा था, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, और उसको इसने लांग दिया है 4 दिन पहले। उसको वापस एक बार टेस्ट किया और हाईएस्ट क्लोजिंग 31 दिसंबर को देखने को मिली है। वॉल्यूम्स थोड़े से कम है, तो मेरा मानना है कि उधर भी छुट्टियां का मौसम चालू है, तो मेरा मानना है कि इधर एक पॉजिटिव बायस आते सोमवार से देखने को मिलेगा। तो वर्ल्ड मार्केट्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हमारे मार्केट्स तो ऑल टाइम हाई पे ही क्लोज हुए थे, और 2020 जो कि बहुत खराब साल बाकी सेक्टर्स के लिए था, पर स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही बेहतरीन था। हमारे जो मेंबर्स हैं, उनको हमने मार्च में बॉटम में बाय करने के लिए कहा था, बहुत ऊपर के लेवल्स में एग्जिट करने के लिए बोला। उसके बाद एक वापस एक बार यू टर्न आ गया, वापस एक नया पोर्टफोलियो बिल्टअप कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छा मुनाफा एक खराब साल में मिला। तो आपको ये पता चल रहा है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है कि तेजी हो या मंदी हो, अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलते हैं। तो
आपको थोड़ा सा सीखना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस, ताकि जब भी सेल कॉल आए तो आप बेच के पैसा कमा सकते हैं, तेजी आए तो बाय करके पैसा कमा सकते हैं। तो पैसा कमाने का आपका बहुत अच्छा जरिया स्टॉक मार्केट ये एक्टिविटी हो सकती है, पर उसके लिए सीरियसनेस चाहिए। और सीरियसनेस सिर्फ आती है पढ़ाई करके। अगर आप वर्कशॉप्स में, मैंने पहले भी कहा है, हर वेबसाइट पे जाते हैं तो बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं, उसमें से आपको जो दो करने चाहिए कंपलसरी है वो है बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस वर्कशॉप। इधर क्लिक कीजिएगा, पढ़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देयर इज नथिंग फॉर यू टू लूज। हमारे वर्कशॉप में, मनी बैक गारंटी है। मनी बैक गारंटी, मैंने क्लिक किया है, ये मनी बैक गारंटी है। यानी आप वर्कशॉप कीजिए, अगर आपको लगता है कि हमने बराबर नहीं सिखाया तो पैसा वापस लीजिएगा। इसके टर्म्स एंड कंडीशंस सारे इधर लिखे हैं, आप प्लीज पढ़िए। और एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको करनी चाहिए, आप हमारे गूगल रिव्यूज देखिए, क्या रिव्यूज लोगों ने लिखे हैं, कितने खुश है और कितने अच्छे तरीके से पैसा बना रहे हैं। तो मेरा मानना है कि एक बार ट्राई करने में हर्जी नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगा तो 100% मनी बैक गारंटी है, ये आपको मिल जाएगी। दूसरा जो वर्कशॉप है जो आपको करना ही चाहिए, ये पहला होता है वर्कशॉप, और दूसरा उसके बाद वाला वर्कशॉप जो है वो ऑप्शंस मेंटरिंग प्रोग्राम है। ये थोड़ा सा हायर लेवल है, पर जिनको ऑप्शंस मालूम है क्या नहीं, अगर उनको लगातार आपको पैसा बना लगातार बार बार आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता नजर आना चाहिए, तो आपको ये वर्कशॉप करना चाहिए। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी आपका एटीट्यूड क्या है, कंटिन्यूअस आपको कुछ करना है या आपको इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर है तो बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस वर्कशॉप। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो बिल्कुल आपको ये करना ही चाहिए, एक आपका व्यू पॉइंट कंप्लीटली चेंज होता नजर आएगा। वापस आते हैं हम, अभी रुपी डॉलर का चार्ट देखते हैं। जिस तरीके से रुपी स्ट्रांग हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। FIs के इन्फ्लोस काफ़ी स्ट्रांग आते नजर आ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नज़दीक आ गए, 73। तो अभी ये ट्रायंगल निकालते हैं और आप ये जानिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 73। अभी हम 73.30 पे हैं, अगर 73 टूटता है तो और स्ट्रेंथ इस रुपी में देखने को मिलेगी। पर मेरा मानना है कि इसके और इधर से स्ट्रेंथ आनी थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रहा है। वापस एक बार हम 73-74 इस रेंज में ट्रेड होते नजर आ जाने चाहिए। इसके साथ साथ विक्स पे ध्यान देंगे। विक्स का चार्ट देखते हैं तो जैसे मैंने हमेशा कहा है, बिल्कुल एवरी टाइम आई हैव टोल्ड कि जब तक 24 के ऊपर जाते नहीं है तब तक हम बिल्कुल बुलिश व्यू ही मान के चलेंगे, कोई बेरिशनेस का थॉट भी नहीं आना चाहिए। और 28 के ऊपर जब जाएंगे तो 100% बेरिशनेस का ही थॉट आना चाहिए, तब बुल सस्ता हो गया ये मानना नहीं है। उसके बाद हम कहाँ लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेंगे वो देखेंगे, पर जब तक हम 24 के नीचे हैं बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, बुल मार्केट कायम है। इसके ऊपर भी मैं जल्द ही वीडियो बात जारी करूंगा, कैसे PCR का डेटा देखना चाहिए। पर हाँ, पिछला जो बुधवार को वीडियो जारी किया गया था PCR पे, तो PCR का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ गया। हमें लगभग 27,350 इतने ईमेल्स आ गए कि हमें एक्सेल शीट चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी बहुत अच्छे लिखे, कई कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स भी थे जहाँ पे मैं इम्प्रूवमेंट बिल्कुल करता नजर आ जाऊँगा। पर आपके जो रिक्वेस्ट थे कि आपको क्या सीखना है, तो उसी श्रृंखला को जारी करते हुए मैं और एक वीडियो, लर्निंग वीडियो, बुधवार को जारी करूंगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एक बहुत आसान सा तरीका है पैसा बनाने का, तो वो मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। तो मेरा मानना है कि ये भी आप एडवांटेज ले सकते हो सीखने का। तो अगर आपको ये सीखना है रेगुलर बेसिस पे, तो आपको ना हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, और जैसे मैंने पिछले बार भी कहा था, लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट्स बहुत चाहिए। कमेंट्स, अगर नेगेटिव कमेंट्स है तो कंस्ट्रक्टिव नेगेटिव कमेंट्स चाहिए, ताकि मेरे में इम्प्रूवमेंट आ जाए, आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो कमेंट्स बिल्कुल लिखिए, क्योंकि वो फीडबैक है, उसके उसके तहत मुझे ये समझ में आता है कि अभी मैं मुझे क्या करना है।
और मैं मदद करना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा कि 2021 विल बी अ लर्न ईयर ऑफ लर्निंग, और मैं बहुत कुछ मेरे 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 जो 25-26 साल स्टॉक मार्केट के है एक्सपीरियंस है वो मैं देना चाहता हूँ, और इस तरीके से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो मेरा मानना है कि आपके कमेंट्स मेरे लिए एक मोटिवेशनल होते हैं और ये मुझे चाहिए। ये रहा विक्स का। अभी हम देखते हैं पीसीआर। अभी पीसीआर का मैंने तो ये पूरा ईमेल आपको सब सभी लोगों को भेज दिया है, पर आपको क्या करना है मैं वापस एक बार एक मिनट में बताता हूँ कि इधर आपको डेट लिखनी है, पीसीआर वैल्यू इधर 330 का है ये कॉपी कीजिए, एनएससी वेबसाइट से उसका क्लोज इधर डालिए। ये डायनामिक एक्सेल शीट की है, इधर ये जो लिखा है इसको बिल्कुल चेंज ना कीजिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी शीट में। इधर आप जैसे ही डालते हो फिगर्स, चार्ट पे जाइए और ये चार्ट तैयार है आपके लिए। ये देखो शुक्रवार का पीसीआर वैल्यू इधर देखने को मिल रहा है। तो सॉरी 1.398 देखिए 1.398। तो इस तरीके से आपका ये डायनेमिक पीसीआर तैयार हो जाएगा। अभी हम उसको थोड़ा कॉम्प्रेस करते हैं ताकि आपको पूरा पता चल जाएगा। अभी पीसीआर एकदम कंफर्टेबल जोन के आसपास आ गया है, और थोड़ा देर हम अगर कंसल्ट करते जाएंगे तो ये वापस एक बार इन इन स्तरों के आसपास आएगा। लास्ट टाइम का बॉटम था 1.12 के आसपास आ गया, तो आपको मालूम है इधर बाइंग करना चालू कर देना चाहिए ताकि एक बाउंस बैक आएगा और एक अच्छा मुनाफा आपको कमा के देगा। रियल बाइंग, क्वांटिटी बाइंग येलो लाइन के आसपास, और अगर मंदी है तो ही ग्रीन लाइन के पास आएगा, मंदी नहीं है तो ग्रीन लाइन के पास आएगा नहीं, येलो लाइन के आसपास से ही हम चलेंगे। अभी हम हायर टॉप हायर बॉटम कर रहे हैं निफ्टी पे, तो बिल्कुल अप ट्रेंड है, तो आपको सिर्फ ये पिछले बॉटम्स है इसके नजदीक आते ही आपको बाइंग करना चालू कर देना चाहिए। एक लॉट, उसके बाद और एक लॉट और एक लॉट, ऐसे करके आप बाय कीजिएगा, एक बहुत अच्छा मुनाफा आपको ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ये जब ये वापस एक बार पीसीआर 1.6 1.7 1.8 तक जाएगा तब तक एक बहुत बड़ा आपकी रैली देखने को मिली। जैसे मैंने कहा कि पिछली रैली 700 पॉइंट की थी, तो 700 पॉइंट यानी बहुत बड़ी मूव आती है। अगर हम एक लॉट इंटू 700 पॉइंट्स काउंट करते हैं तो आपको पता ही चल रहा है कि कितने पैसे आपको मिलते नजर आते हैं, और वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो उस तरीके से आपको ये जो मैंने स्ट्रैटेजी दी है वो अडेप्ट करनी चाहिए। अगर अभी भी किसी को ईमेल नहीं मिला है तो मैं सिर्फ अभी ईमेल आईडी चेंज कर रहा हूँ, info@kiranjadhav.com। इस ईमेल आईडी पे आप रिक्वेस्ट भेजिए कि मुझे एक्सेल शीट चाहिए, ये डायनामिक एक्सेल शीट आपको मेल किया जाएगा। तो मेरा मानना है कि इससे बहुत बेहतरीन निफ्टी पे आपको पोजिशनल तरीके से बहुत बड़ा पैसा मिलता जरूर नजर आएगा। ओके अभी जाते हैं सेक्टर एनालिसिस पे। अभी सेक्टर्स देखना है तो मेरा मानना है कि इस साल जिस तरीके से सेक्टर्स चल रहे हैं, मेरा मानना है जो मैंने सिलेक्ट किया है वही सेक्टर्स चलते नजर आएंगे। आईटी नंबर वन रहेगा, फार्मा, एफएमसीजी, कंज्यूमर, मेटल्स, ये सारे के सारे, और ऑटो, ये सारे के सारे सेक्टर्स परफॉर्म करते नजर आ जाने चाहिए। तो मेरा मानना है कि आपको आपका ध्यान इस सेक्टर्स में होना चाहिए, और जो मेंबर्स है, जो पेड मेंबर्स है, उनको दो स्टॉक्स आने वाले हैं बहुत बेहतरीन मल्टीबैगर सोमवार को। तो आपके लॉगिन एरिया में जाइए और मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म इस प्रोडक्ट में दो स्टॉक्स, मिनिमम दो स्टॉक्स तो आने ही चाहिए। तो मेरा मानना है कि उधर आपका ध्यान होना चाहिए। पिछले जो स्टॉक्स दिए आपको मालूम है किस तरीके से रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है, तो इधर भी एक बहुत बड़ा रिटर्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, बहुत बहुत शानदार चार्ट पैटर्न से और बहुत बड़े टारगेट से, मल्टीबैगर स्टॉक्स है, तो इसको मिस मत कीजिएगा। जैसे मैंने कहा एक महीना रह चुका है बजट के लिए, तो इधर से कंसर्वेटिव मूव आपको देखने को मिलेगी निफ्टी में, और कंसर्वेटिव पॉजिटिव मूव हर करेक्शन में बाय करने की सलाह है, और इसी तरह से हम बहुत अच्छा पैसा कमाते नजर आ जाने चाहिए।
चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को और बहुत सारे कमेंट्स लिखिए, और आपको क्या सीखना है ये भी कमेंट्स में डालिए, ताकि मैं आप मेरा शेड्यूल, लर्निंग का शेड्यूल पहले से ही तय कर चुका हूँगा और अपने आप आपको वो वीडियोस मिलते नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, थैंक यू।